मैं ट्राई किया क्राउड वर्क करने का, सिंपल क्वेश्चन पूछा, ठीक है सबसे सिंपल, कि सर अपना नाम बताओ, तो तेरा बाप आप खुश रहो कोई आप क्या, अरे फ्लैश के साथ ही ले लिया आपने देखो अभी हुआ क्या है, देखो तो उन्होंने फोटो लिया और फ्लैश ऑन हो गया, फिर मैंने उसको एड्रेस कर दिया, फिर तुम सब हंसे, उन्होंने फोन लेके जो अपने साथ बैठा ना उसके ऐसे मारा है, ये क्या चूतिया फोन दिया मुझे, फोटो लोगे तो पूरी दुनिया को बता देते हैं फोटो ले लिया है। A few moments later. पर शो में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है एकदम सिंपल शो है, बस एक स्टोरी है, ध्यान से सुन। अरे सर आप उंगली ही फोड़ रहे हो तो अच्छा उस टाइम पे कोई जोक नहीं कर रहा था, इतना सन्नाटा सबको सुनाई दे रहा है कि कोई बात नहीं सर अभी कंफर्टेबल हो गए आप हाँ नोटिस किया है, वो जो फोड़ते हैं ना वो बस हर 5 मिनट में उन्हें फोड़ना होता है, तो फिर फोड़ लेते हैं, और एक बार वो फूट जाती है तो फिर वो नरम हो जाती है ना, गंदा जोक नहीं है कोई 5 मिनट बाद ट्राई करते हैं, बोलते हैं यार कड़क हुआ ही नहीं अभी, फिर थोड़ी देर वेट करके वापस फोड़ते हैं, वो उंगली को आराम से रहने नहीं देते, जैसे ही वो स्ट्रेट होती है वापस अब आ जाओ ठीक है सर अभी आप सही हो, टेंशन मत लो आप, किसी से मैं क्राउड वर्क नहीं करता, थैंक यू सर जैसे ही मैंने सेंटेंस बोला कि मैं क्राउड वर्क नहीं करता, सर ने प्रूफ कर दिया करना भी नहीं चाहिए हम ही कांड कर देते हैं नहीं करता है, मुझसे होता नहीं है, बहुत डर लगता है मुझे क्राउड वर्क में, प्रॉब्लम ये है ना कि अब नाम नहीं लूंगा पर बाकी जो चूतिया कॉमेडियंस हैं उन्होंने इतने क्राउड वर्क वीडियोज डाल दिया ना कि अब ऑडियंस प्रिपेयर हो गई है रिस्पॉन्सेस के साथ, पहले दहशत थी कॉमिक्स की, फ्रंट रो में मत बैठना मजाक उड़ा देगा वो आप लोग घर से आते फ्रंट रो में बैठेंगे मजाक उड़ा देंगे उसका ही मैं ट्राई किया क्राउड वर्क करने का, सिंपल क्वेश्चन पूछा, ठीक है सबसे सिंपल, कि सर अपना नाम बताओ, तो तेरा बाप इसका कमबैक कहां से लाऊं मैं अब ऑडियंस हंस तो दी उसके कमबैक पे, अब वेट करिए कि ये कुछ बोले, मुझे पता है मेरे पास है ही नहीं कुछ ऑडियंस में पहले ये रहता था कि यार सब डरे हुए बैठेंगे, कभी भी हमसे बात करें हमें डर के हमारा मजाक उड़ा देगा, तुमसे आता मैं डरा हुआ क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं उड़ा पाऊंगा